आगे बढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद और प्रश्नावली 2.4। देखो ये जो 2.5 आपको दी गई है ये प्रश्नावली 2023-24 से रिड्यूस करके इस प्रश्नावली का नाम 2.4 रख दिया गया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारे जो प्रश्नावली 2023-24 के लिए ये प्रश्नावली 2.4 बन चुकी है। इसका जो पहला प्रश्न है, उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कुछ सर्व समीकरणें दी है इस किताब में, उस सर्व समीकरणों का उपयोग करके हमें क्या करना है, ये गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखो जो सर्व समीकरणें दी गई है वो हम अलग से नोट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इन्हीं क्वेश्चनों में समझते जाएंगे और सर्व समीकरणें लगाते जाएंगे। ठीक है गाइस, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमें पहला सवाल दिया है x प्लस 4 और x प्लस 10। ठीक है, तो सवाल को हम नोट कर लेते हैं, क्या सवाल दिया है x प्लस 4 और फिर x प्लस 10। ठीक है, ये हमें सवाल दिया है, इस सवाल को हल करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और एक बार ऐसा कैसा इस सवाल को नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से आपको नोट कर लेना है। ठीक है गाइस, अब नोट करने के बाद इसमें हमें सर्व समीकरण लगानी है, तो सर्व समीकरण यहाँ पे कौन सी लगेगी, तो देखो यहाँ पे भी एक से और यहाँ पे भी एक से, यहाँ पे अलग संख्या 4 है और यहाँ पे अलग संख्या 10 है, तो यहाँ पे कौन सी वाली सर्व समीकरण लग जाएगी, तो यहाँ पे सर्व समीकरण लगेगी एक्स प्लस ए फिर एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर कोष्टक में ए प्लस बी साथ में एक्स और फिर ये ए बी। ठीक है, ये सर्व समीकरण आपको इसमें लगा देनी है। अब एक्स का मान क्या हो जाएगा इस सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग, ठीक है, फिर ए का मान क्या हो जाएगा और बी का मान क्या होगा, तो देखो ए का मान तो सॉरी एक्स का मान तो ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स है मतलब कि ये एक्स का मान है, ए का मान तो पहले कोष्टक में है तो पहले कोष्टक का हो जाएगा, बी का मान दूसरे कोष्टक से हमें 10 मिल जाएगा। ठीक है, इस साइड में आपको मान नहीं रखना है, इस साइड में आपको मान रख के चलना है, तो रख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी तो ए का मान 4 हो जाएगा प्लस बी का मान कितना है 10 है और फिर साथ में एक्स है तो एक्स हमारा वैसे भी एक्स है, फिर प्लस ए गुणित बी दिया है तो ए का मान 4 और बी का मान 10। ठीक है, यहाँ पे अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर 4 और 10 को जोड़ देते हैं तो होता है 14 और साथ में एक्स और 4 का 10 से गुणा करेंगे तो 4 × 40 और ये हो जाएगा आपके पहले जो सवाल है उसका आंसर। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है, तो दिया है x प्लस 8 और फिर दिया है x माइनस 10। इसको भी हल कर लेते हैं, तो हल करने से पहले हम क्या करते हैं एक बार सवाल को ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं ये। ठीक, अब इसमें भी हम सर्व समीकरण लगा देंगे, तो देखो इसमें भी सर्व समीकरण यही लग जाएगी, कौन सी x प्लस ए और x प्लस बी। अच्छा एक बात है कि यहाँ पे तो माइनस आया है फिर तो हम प्लस वाली लगा रहे हैं, देखो सर्व समीकरण तो हमें यही लगानी है, बस चिन्ह जो संख्या का वो हम रख देंगे यहाँ पे। अगर संख्या जो है सर्व समीकरण से मैच नहीं होती है, ठीक है, कहने का मतलब सर्व समीकरण तो मैच हो जा रही है लेकिन ये संख्या माइनस की है और यहाँ पे तो बी प्लस का है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जो संख्या आएगी बी की जगह वो हम माइनस में रख देंगे। तो पहले सर्व समीकरण लिख देते हैं एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स फिर क्या हो जाएगा ए बी, तो ए का और बी का मान है ना और एक्स का मान, तीनों मान हमको पता होना चाहिए। तो देखो एक्स का मान तो दोनों जगह एक ही आया है, ए का मान पहले कोष्टक में 8 मिला है, बी का मान माइनस का 10 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, मान रख देते हैं सर्व समीकरण में कहाँ पे रखना है, तो ये इस साइड में रखना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही होगा, ए की जगह ए का मान कितना हो जाएगा 8 प्लस बी का मान जो है प्लस बी है और यहाँ पे बी का मान माइनस 10 है, अगर हम यहाँ पे प्लस की मतलब बी का मान रखते हैं तो माइनस 10 आएगा, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और बी का मान अब सीधा सीधा हम 10 रख देंगे, साथ में एक्स आपको रख देना है, फिर ए बी है तो ए का मान 8 है और बी का मान माइनस 10 है इसलिए हमें कोष्टक लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए आप जब भी माइनस की संख्या है आप कोष्टक ले लीजिए। ये एक्स स्क्वायर 8 और 10 में से बड़ी संख्या का चिन्ह हम देखेंगे, तो बड़ी संख्या यहाँ पे जो है प्लस तो रहने वाला है, बड़ी संख्या 10 है इसलिए माइनस और 10 में से 8 गए तो 2 और साथ में क्या है एक्स, फिर यहाँ पे प्लस और ये माइनस तो प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस और 8 का गुणा 10 से होगा तो ये हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80। ठीक है,
अगली कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दो और साथ में क्या हो जाएगा एक्स माइनस का अस्सी, और ये हो जाएगा आपके सेकंड वाला सवाल। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप पहले और दूसरे वाले सवाल का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ से ये और उसके बाद ये। अब हम देखते हैं इसी का तीसरा सवाल। अब जो आपको तीसरा सवाल दिया है 3x प्लस चार और 3x माइनस पाँच, तो देखो ऐसा कैसा नोट करना है, फिर आपको सर्वसमिका लगा देनी है। सर्वसमिका के बाद a का मान, ठीक है, और x का मान मैं यहाँ रख देता हूँ पीछे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। तो देखो a का मान तो ये चार हो जाएगा, ठीक है, b का मान ये माइनस का पाँच हो जाएगा, और जो x का मान है वो दोनों जगह 3x 3x आ रहा है तो 3x हो जाएगा। ठीक है, बस अब हमको मान रख देना x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए, ए की जगह ए का मान कितना हो जाएगा चार, प्लस बी, बी का मान माइनस पाँच है तो माइनस पाँच रख दो सीधा सीधा, फिर यहाँ पे एक्स, तो एक्स का मान तो तीन एक्स है तो गुणित में हम क्या रखेंगे तीन एक्स, फिर प्लस ए, ए की जगह चार और बी की जगह माइनस पाँच, ठीक है, ये हमने मान रख दिए हैं। अब हम हल कर लेते हैं। देखो तीन एक्स की घात दो है, मतलब कि यहाँ पर तीन एक्स को दो बार लिख के हल करना है, तो तीन तिया नौ, एक्स का एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, मतलब कि 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस 5 और 4 में से 5 बड़ा है इसलिए माइनस, और 5 में से 4 गया तो 1, और गुणित में आपके 3x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस चारों पंजे 20, ठीक है। अगले स्टेप में 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 का गुणा 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और ये माइनस 20 से कैसा, और ये हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है, तो ये आपके तीसरे नंबर का जो सवाल है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देख लेते हैं चौथा। तो चौथा आपको दिया है वाई स्क्वायर प्लस 3/2, क्या दिया है वाई स्क्वायर प्लस 3/2, और फिर दिया है वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ये सवाल दिया है, इसको भी हल कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारा काम पहला क्या है, एक बार ऐसा कैसा नोट कर लेना है, ये हमने कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सर्वसमिका की पहचान करनी है। तो देखो इसमें सर्वसमिका वो वाली नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ 3/2 तो यहाँ पे भी 3/2, बस अंतर क्या है यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया है, प्लस और माइनस आ गया है। ठीक, तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे लगेगा, देखो दोनों संख्याएँ समान है बस प्लस माइनस का फ़र्क है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्वसमिका होगी, कौन सी, यहाँ पे है x प्लस y और फिर है x माइनस y, जिसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जैसे ये प्लस और माइनस, तो ये प्लस और माइनस हो गया, इसको एक बार एक्स का स्क्वायर करके लिखना है, एक बार वाई का स्क्वायर करके लिखना है, तो सिंपल सी बात है एक्स का मान और वाई का मान पता होना चाहिए तभी तो यहाँ रखेंगे। देखो एक्स का मान तो यहाँ एक्स आगे आगे आया है, तो मतलब कि वाई स्क्वायर एक्स का मान है और 3/2 आपकी वाई का मान हो जाएगा। अच्छा एक और बात, अब जो वाई का मान माइनस में है, मतलब 3/2 है, तो यहाँ तो माइनस लगाया नहीं, क्यों, क्योंकि सूत्र हमें मैच कर रहा है। देखो ये प्लस का तो प्लस, ये माइनस तो ये माइनस, अब सूत्र मैच कर रहा है तो हमें स्पेशली माइनस लगा के नहीं बताना है। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो मान रख देते हैं एक्स का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लगा है और यहाँ एक्स का मान पहले क्या है वाई स्क्वायर, तो जैसे मैंने ये एक्स का मान रख दिया अभी, तो अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई का स्क्वायर, तो वाई का मान क्या हो जाएगा 3/2 का भी स्क्वायर। ठीक है, अगली स्टेप y की घात दो और उसकी भी घात दो, देखो घात दो का घात दो से क्या हो जाएगा गुणा, तो दो दुनी चार, यहाँ पे तीन की भी घात दो है और दो की भी घात दो है, तो तीन की घात दो का मान क्या होता है 3 × 3 = 9, दो की घात दो का मान क्या होता है 4, तो ये 9/4 और ये हो जाएगा आपके आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके फिफ्थ नंबर के सवाल की। ठीक है, ये उसके बाद ये और उसके बाद ये। अब हम बात करते हैं इसके पांचवे सवाल की। अब पांचवा सवाल आपको दिया है 3 − 2x और 3 + 2x। ठीक है, तो हमको सॉल्यूशन लिख के ऐसा कैसा नोट कर लेना है। हमारी सर्वसमिका है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, प्लस वाला पहले है माइनस वाला बाद में, यहाँ पे माइनस पहले है प्लस बाद में, तो देखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले प्लस वाला ले लीजिए और फिर यहाँ से माइनस वाला ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। अब सिंपल सी बात है, सर्वसमिका मैच हो जा रही है, तो यहाँ पे x का मान और यहाँ पे y का मान, तो देखो x आगे वाली संख्या है और y पीछे वाली संख्या है, चिन्ह आपको नहीं लगाना है क्योंकि सूत्र आप इसी का लगा रहे हैं यहाँ पे, बस मान रख देंगे x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो y का मान है 2x का स्क्वायर। ठीक है,
तीन की घात दो का मान क्या हो जाएगा? नौ, क्योंकि तीन गुणित तीन लिखेंगे, तीन तिया नौ हो जाएगा। दो एक्स की घात दो का मान, तो इसको दो बार लिख लीजिए। दो का दो से दो दूनी चार, एक्स का एक से एक से स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? चार एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिए। और गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको 9th का ब्रिज कोर्स, ठीक है, 9th की सोशल और 9th की साइंस, ठीक है, सोशल अलग है, साइंस अलग है, तीनों के आपको जो है प्रॉपरली कम्प्लीटली नोट्स मिल जाएंगे, रिड्यूस सिलेबस वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दो दोस्तों में से शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।